भारत का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां सुनामी की लहरें आते ही 2 किलोमीटर पीछे ही चली जाती है। दरअसल तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 75 किलोमीटर दूर श्री चंद मुर्गन यानी भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। 18वीं शताब्दी में डचों ने इस मंदिर पर आक्रमण करके मंदिर का सारा खजाना और भगवान कार्तिकेय की पंचतंत्र लोहे से बनी मूर्ति को चुरा कर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही वे समुद्र के बीच पहुंचे अचानक मौसम बिगड़ गया, जिससे समुद्र में भयानक तूफान और बारिश होने लगी। इतने में नाविक बोला, ये इस मूर्ति का प्रकोप है, हम इस मूर्ति को नहीं ले जा सकते। और जहाज के कैप्टन ने जान बचाने के लिए उस मूर्ति को समंदर में छोड़ दिया, जिसके थोड़ी देर बाद तूफान थम गया। एक दिन भगवान श्री चंद्र मुर्गन अपने भक्तों के सपने में आए और उसे मूर्ति के बारे में बताया। भगवान बोले, समुद्र में मेरे ऊपर एक नींबू तैरता हुआ दिखेगा, उसी के ठीक नीचे मेरी मूर्ति है और उस मूर्ति को ढूंढकर इस मंदिर का निर्माण किया गया। साल 2004 में इस मंदिर के पास भयानक सुनामी आई, लेकिन मंदिर के पास आते ही 2 किलोमीटर दूर चली गई। भगवान कार्तिकेय की इस चमत्कार के लिए कमेंट में जय कार्तिकेय भगवान जरूर लिखें और चैनल को सपोर्ट करें।